पिछले लेसन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था 12 स्वरों के ऊपर एक ऑक्टेव में कितने तरह के ऑक्टेव्स होते हैं, कैसे एक गाने में हम लोग अलग अलग नोट्स को यूज़ करते हैं अलग अलग ऑक्टेव्स के, इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चर्चा करी थी और एंड में कंक्लूड किया था कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे अब ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आज के इस लेसन में हम लोग बात करेंगे स्केल की, क्यों स्केल जाना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी वोकलिस्ट के लिए, मेल और फीमेल स्केल कैसे वेरी करते हैं, आपका अपना स्केल क्या है और कंपोजर कैसे एक गाने में मूड के अकॉर्डिंगली उस गाने के स्केल को फिक्स करता है। स्केल से मेरा मतलब इस स्केल से नहीं है, स्केल से मेरा मतलब है उस स्केल से जो हम म्यूजिक में रेफर करते हैं, बट हाँ दोनों स्केल्स का पर्पस एक ही होता है, वो है मेजरमेंट। जहाँ इस स्केल से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, वहाँ जिस स्केल की मैं बात कर रहा हूँ उससे हम पिच या नोट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। पिछले लेसन में मैंने आपको कीबोर्ड को रेफरेंस मानकर एक ऑक्टेव इस्टेब्लिश किया था, मिडिल ऑक्टेव जहाँ पर 7 वाइट कीज और 5 ब्लैक कीज लाई करते थे। ऐसे ही लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव को भी हम लोगों ने वहाँ से निकाला और उसके ऊपर भी इन नोट्स को इस्टेब्लिश किया था। अगर इस होल प्रोसेस को मुझे एक डायग्राम में के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैंने इन वाइट कीज़ को नंबर किया है 1 2 3 4 5 6 7 और ब्लैक कीज़ को नंबर किया है 1 2 3 4 5। तो लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, तीनों ऑक्टेव्स में यही नंबरिंग हम लोगों ने फॉलो करी है और आगे के डिस्कशन के लिए हम इसी को रेफरेंस मानकर स्केल के बारे में और चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस नंबरिंग को देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर जो बेस नोट था उसको फर्स्ट वाइट की को माना था और उससे बाकी के सारे नंबरिंग निकाले थे, सारे नोट्स निकाले थे। एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि क्या ये प्रोसेस जो मैंने किया ये फर्स्ट वाइट की के अलावा मैं किसी और नोट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इस कीबोर्ड में बहुत सारे और भी कीज़ हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आगे की ओर जाऊँ या मैं ये प्रोसेस फर्स्ट ब्लैक की से स्टार्ट करना चाहता हूँ या सेकंड ब्लैक की से स्टार्ट करना चाहता हूँ या फिर मैं ये फोर्थ ब्लैक की या फिफ्थ ब्लैक की से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? इसका आंसर बहुत ही सरल है, यस आप ये कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम कहते हैं कि स्केल डिटरमाइन करिए तो हम लोग जनरली जो हमारा सा स्वर होता है उसको कोशिश करते हैं कि इस बेस नोट के ऊपर बिठाएं और उससे धीरे धीरे आगे के स्वरों को निकालें। मैं ये प्रोसेस आपको सी स्केल के लिए करके दिखाता हूँ। जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है तानपुरे पे वो इस वाइट की को कॉरेस्पॉन्ड करता है, फर्स्ट वाइट की को कीबोर्ड की, जिसे हम सी नोट भी कहते हैं। ये स्केल हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि इस स्केल की बहुत ही कॉमनली यूज स्केल है। तो एक तो ये क्योंकि यहाँ पर वॉइस बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो नहीं होती और कई गानों में आप देखेंगे कि सी स्केल को यूज़ किया जाता है। दूसरा, इस स्केल में सारे के सारे शुद्ध स्वर जो है वो वाइट नोट्स पर लाई करते हैं, तो ये बहुत इजी भी है प्ले करने के लिए। और अगर आप सिर्फ एक ऐसा गाना गा रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं जिसमें सिर्फ शुद्ध या हैप्पी नोट्स ही हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी स्केल के ऊपर कंपोज करना। तो अगर मैं स्केल को रेफरेंस मानकर सारे गा मा पा धा नी सा बोलता हूँ, सा अगर एक गाना मैं स्केल में कंपोज कर रहा हूँ तो इन सभी नोट्स जब जब ये उस गाने में यूज किए जाएंगे तो उनकी प्लेस एग्जैक्टली इसी स्थान पर होगी। बट अगर मैं अपना स्केल मूव करता हूँ, लेट्स से मैं इसको फर्स्ट ब्लैक की या सेकंड ब्लैक की पर लेके जाना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अभी मैं स्केल को मूव करके सेकंड ब्लैक की पे लेके जाता हूँ, तो देखिए कैसे जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था बेस वर्सा,
वो भी आगे की ओर मूव कर गया है और बाकी के सारे स्वर भी अब थोड़े थोड़े हाई पिच पे लाए करेंगे। अब आप सुन रहे होंगे कि जो बेस नोट है जो भी सुनाई दे रहा है वो थोड़ा सा पिच में हाई है, तो अगर मैं इसके ऊपर अब सा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूं जो मेरा बेस स्वर होता है तो वो कुछ ऐसे साउंड करेगा। जो ये प्रोसेस था जहाँ पे मैं अभी एक नोट को हायर पिच पे लेके गया और वहाँ से मैंने सारे गामा पा धा नी सा बोलने की कोशिश करी, ये एक इंसिडेंटल नहीं था। जो मेल स्केल होता है वो जनरली इस फर्स्ट ब्लैक या सेकंड ब्लैक की पे लाई करता है, तो अभी जैसे कि मैं सेकंड ब्लैक की से इस सारे गामा पा धा नी सा को बोल रहा था तो मेरा स्केल, क्योंकि जो मैंने इस्टेब्लिश किया है वो डी शार्प है यानी कि सेकेंड ब्लैक, तो इसीलिए मैंने वहाँ से इसे बोला। पर अगर आप एक फीमेल वोकलिस्ट हैं तो आपका स्केल मेल स्केल से थोड़ा सा नीचे की ओर लाया करेगा। जनरली ये जो बेस होगा वो होगा फोर्थ ब्लैक या फिफ्थ ब्लैक की। तो सबसे पहले प्रैक्टिस से पहले हम लोग सांस पर को इलॉन्गेट करके बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी वॉइस को वार्म अप करते हैं, वो आप प्रोसेस इसी स्केल से रेगुलरली स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मेल स्केल हायर होता है पिच में फीमेल स्केल के कंपैरिजन में, तो मेल स्केल को हम लोग पहला या दूसरा काला कहते हैं जबकि फीमेल स्केल को हम लोग चौथा या पांचवा काला कहते हैं, क्योंकि चौथा और पांचवा हायर होता है नंबर में कंपेयर टू पहला और दूसरा। तो ये काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आंसर इसका बहुत ही सरल है और इस डायग्राम में ही है। जब हम मेल स्केल की बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने जो ये रेफरेंस माना है मिडिल ऑक्टेव को मान के फर्स्ट और सेकंड ब्लैक कीज यहाँ की पहला और दूसरा काला को सिंबलाइज किया है, जबकि हम लोग फीमेल स्केल की अगर बात करें तो ये जो कीज होती हैं ये लाई करती हैं लोअर ऑक्टेव में जहाँ पर इनकी नंबरिंग जो है चौथा और पाँचवा काला यानी फोर्थ एंड फिफ्थ ब्लैक की से की गई है। तो इसीलिए जो मेल स्केल होता है उसकी नंबरिंग जो होती है वो लो होती है कंपेयर टू फीमेल स्केल, बट हाँ वो जो हमारा रीज़न है कि मेल स्केल हायर होता है वो डेफिनेटली है और मेल स्केल जनरली हायर पिच पे ही होता है कंपेयर टू फीमेल स्केल, क्योंकि हम लोग इस लेसन में सारा डिस्कशन जो है वो सी नोट यानी कि इस फर्स्ट वाइट नोट को मान के कर रहे हैं। तो आइए एक ऐसा ही एक गाना लेते हैं जो इसी स्केल में बनाया गया है और कैसे इस गाने का मूड थोड़ा सा चेंज होगा अगर हम इस गाने को किसी और स्केल में गाएंगे। तो ये गाना है तारे जमीन पे से फिल्म से और माँ सॉन्ग है, तो ये सी स्केल में है ये गाना ओरिजिनली। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं मां। अगर इस गाने को मैं थोड़े हाई स्केल में लेके जाता हूँ, लेट्स से मैं इसको फर्स्ट सेकंड ब्लैक की पे लेके जाता हूँ, तो देखिए थोड़ा सा फ्लेवर कैसे चेंज होता है इस गाने का। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। जहाँ पहले इस गाने में थोड़ी सी अर्ज थी और एक दर्द भी था,
वहाँ थोड़ा सा जब मैं इसको हायर स्केल पे लेके गया हूँ तो एक हल्का सा एग्रेसिव टोन इस गाने ने पकड़ लिया। तो इसी तरह के डिसीजंस हम लोगों को स्केल और गाने के मूड में बैलेंस बिठा के लेने पड़ते हैं। तो इस स्केल के ऊपर मे भी ये गाना शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, ये डिसीजन कंपोज़र ने लिया और इस गाने को सी स्केल में यू नो कंपोज किया गया। बट मे बी इस स्केल में जो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें एक ऐसा गाना जो थोड़ा एग्रेसिव टोन का है वो ज़्यादा सूट करेगा, मे बी ये सॉन्ग। चुपके से कहीं धीमे पांव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन स्केल्स पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो गाने हम सुन रहे हैं फिल्म के वो गाने उन्हीं स्केल्स पर हों जिन पर हम जनरली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो गाने होते हैं उनका फ्लेवर इमोशंस मूड के अकॉर्डिंगली उनका स्केल डिटरमाइन किया जाता है कि कहाँ पे वो ज़्यादा खिलेंगे, किस अगर वो हाई में अच्छे लगेंगे तो उनको ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने स्केल में गाएं। जैसे कि हम इस गाने को लें, अगर ओ रंगरेजा ये सॉन्ग है और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म से लिया गया है, तो इस गाने का जो स्केल है वो है थर्ड ब्लैक की यानी कि एफ शार्प, जो कि एक हायर नोट है यू नो मेल स्केल से भी। तो इस गाने को क्योंकि ये एक ड्यूएट सॉन्ग है तो जो मेल पोर्शन है उसके लिए जावेद बशीर जिनकी वॉइस रेंज बहुत अच्छी है उन्होंने इसके हायर यू नो पार्ट है जो जहाँ पर हमारी वॉइस हायर रेंज में जाती है वो सारे उन्होंने गाए हैं, और जो मिडिल ऑक्टेव वाला पार्ट है जहाँ पर ज़्यादातर एक पोर्शन रिपीट होता रहता है वो श्रेया घोषाल से गवाया है। तो इस तरह से ये गाना बहुत अच्छा खिल के यू नो आया है, और इस तरह के डिसीजंस एक सॉन्ग को लेके लेने पड़ते हैं कि हम कैसे उस सॉन्ग को डिवाइड करें और ताकि जो मेल पार्ट है वो भी इजीली गाया जा सके और फीमेल भी, और दोनों में तालमेल भी बिठाया जा सके। तो ये गाना कुछ ऐसा है अगर हम इसके पार्ट्स को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करें। ओ रंगरेज, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के। श्रेया घोषाल ने जो पार्ट गाया है वो अपने ही रंग में मुझको रंग दे, सोंदे सोंदे रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग देना रंग देना रंग देना। उम्मीद है ये लेसन स्केल्स को लेके आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी मिलूंगा अपने नेक्स्ट लेसन में जहाँ पर हम लोग और प्रैक्टिस टिप्स शेयर करूंगा मैं आपके साथ। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी 2018 जहाँ पर आई होप कि आपकी खुशियाँ और आपकी प्रैक्टिस जस्ट स्केल अप अप एंड अप करें। नमस्ते।